नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका, जय भीम साथियों। मैं आप लोगों का स्वागत है साथियों। मेडिटेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एंड दिस इज द रूटीन पार्ट ऑफ लाइफ। मॉर्निंग मेडिटेशन में आपका स्वागत है। भारत का मॉर्निंग मेडिटेशन म्यूजिक सेंटर फ्रॉम फादर होम डॉक्टर सच्चिदानंद पिल्लैकर आपका स्वागत करता है। सुंदर ठंडी में कमरे के बीच एकांत में हम मॉर्निंग मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आपकी कितना भी थकाव हो, कितने भी एग्जर्शन हो, कितना भी एक्सरसाइज हो, अगर हम रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं सबसे बड़ी बीमारी हमारे रीढ़ के हड्डी में होती है। अगर हमारा शरीर हमको मजबूत करना है तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। और गर्दन भी सीधी रखिए। आप प्रैक्टिस करिए हर टाइम पर रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की प्रैक्टिस करिए और गर्दन सीधी रखने की प्रैक्टिस करिए और श्वास पर कंट्रोल करिए। नेचुरल श्वास। और आइए दोस्तों, संगीत के साथ मेडिटेशन में ज्वाइन हो जाइए। नमो बुद्धाय। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखों का आईना निकाल कर बैठी वाच होगी, उसके बाद मॉर्निंग मेडिटेशन में आपका स्वागत है। सवेरे के 2:37 पर मैं आपका स्वागत करता हूं। 2:37 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड डे, नमो। आइए दोस्तों, विलीन हो जाइए मेडिटेशन, कान से सुनिए और म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करिए। श्वास पर कंट्रोल। आपकी श्वास लेफ्ट साइड से निकल रही है, अगर राइट साइड से निकल रही है
तो भी चलती है, दोनों साइड से निकलती है, श्वास आती है, श्वास जाती है। ठंडे के सुंदर वातावरण में गर्म कपड़े के साथ उन्हीं में सबको ढकते हुए इस सुंदर मॉर्निंग मेडिटेशन में आपका स्वागत है। शुरू कर दीजिए दोस्तों, आइए। सर्दी खांसी सब निकल जाएगी, हर बीमारियां निकल जाएगी, पेट की हड्डी सीढ़ी शुरू कर दीजिए। आपको एक से लेकर 100 कम से कम 600 की बार आपको करना है। श्वास गिनिए, आप गिनते रहिए, शुरू करिए। एक से लेकर 100 अपना 100 तक के काउंटिंग हुआ है, इतना भी हुआ है, शायद आपका भी हुआ है। चलो दूसरा 100 कर रहे हैं। हिट की सीधी ग्रुप वन अंके वन लेफ्ट पर राइट हैंड शुरू कर दीजिए। बार
पूरा हुआ है स्वाद, 201 से स्टार्ट करते हैं। 201 स्टार्ट। की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, हुआ है 301 से शुरू करते हैं। आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, आने दीजिए, लेकिन आप काउंट करते हैं तब आपके विचार आपको आप भूल जाते हैं। जब आप काउंट करते हैं श्वास आती है, श्वास जाती है, नेचुरल श्वास पर कंट्रोल है, आपको आपके विचार भूल जाएंगे। कुछ दिन के बाद आपके हाथ में कंट्रोल शक्ति होगी, आपका मन भटकता है उसको हाथ में काबू में रखिए, हाथ में दोनों हाथों पकड़ के रखिए, आपका मन अंदर नहीं ब्रेन में नहीं हाथों में लाइए। बार हो गया है, 401 की बार से शुरू करो। आप शुरू करिए, मुझे बोलना पड़ता है, आपको पढ़ाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। श्वास आती है, श्वास जाती है, श्वास पर कंट्रोल, कोई विचार मत करो, काउंटिंग करो, मन में काउंट करो, 100 तक तो पढ़ा, भगवान बुद्ध को भी आता, सबके जमाने में आता। साथियों, श्वास नेचुरल श्वास, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, दोनों आंखें बंद, मुंह बंद, मुझे मुंह खुला पकड़ना पड़ेगा, आपको बता रही थी, हमें नाश्ता कर। चलो शुरू हो गया, 11 हो गए, 12 हो गए, 13, 14, 15।
उसको 500 बार हो गया है, 500 टाइम उसने कंप्लीट की, नाउ 501, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. बार हो गया है दोस्तों, इसके बाद में आपको थके के समान लगेगा और 17 सेकंड के लिए आप शून्य हो जाओगे। आप शून्य हो गए हो, आप शून्य हो गए हो, आप शून्य हो गए हो। अगर और कर सकते तो और करिएगा। मेरे आपके साथ आपका स्वागत है। आपने 15 मिनट खूबसूरत मेडिटेशन किए है, बाद में आपकी बॉडी थक गई है और जो थकावट है और आखिरी हम काउंटिंग करना बंद कर देते हैं, वही भ्रमण में हम पहुंच जाते हैं। हम पहुंच गए हमारे आसन के साथ में, हम पहुंच गए। नमो बुद्धाय। ब्यूटिफुल मेडिटेशन प्रैक्टिकल टीचिंग डॉक्टर सचिदानंद, वेलकम टू यू। ब्यूटिफुल अनालिसिस चैट मेडिटेशन मेडिटेशन तो फ्लूट मेडिटेशन दोस्तों, हर दिन नई प्रैक्टिस के साथ में आप स्वागत करते हैं। डॉक्टर सचिदानंद प्रैक्टिकल टीचिंग को हम आपका साथ देना चाहते हैं। मेरा एक गाढ़ा अभ्यास आपके सामने आएगा। साथियों,
benefit of early morning meditation. आइए वेकअप एट 8 आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जितना मॉर्निंग में उठोगे दोस्तों उतना सक्सेस पाओगे। तो आइए आज वेकअप एट 4 o'clock AM फ्रॉम द नेक्स्ट 20 डे हम सद्गुरु को बुलाते हैं। आइए सद्गुरु जी हमारे लोगों को 6.5 मिनट का लेक्चर आपका चाहिए, जिसका मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन सद्गुरु जी आप आने से बाहर आ जाएंगे। तो आइए सद्गुरु जी। गोवा बीबो डेली स्टील डील से बेस्ट प्राइस। माय फ्रेंड दिस इज द सतगुरु एंड वेरी फेमस मैन इन द वर्ल्ड द गुरु आचार्य ब्रह्मा सतगुरु। Want to stay awake in the night. Yogis, rogis, and bogies. You said it necessitates nightlife. Well, you said two things. One thing is it's quiet. Believe me, early mornings are much quieter than nights. South area of Sadhguru, the beautiful meditation, youth, the purpose of the... Well, in the business school, they're staying awake in the night. See, whichever way you do it, there are only 24 hours in a day. I've been requisitioning for more hours for a long time and haven't gotten any yet. Only 24 hours. So now the only thing you have to determine is how many hours of sleep your body needs, all right? Not you. How many hours of sleep does the body need? If you yourself need sleep, that means you're trying to escape life. You made experience of life so terrible that you're trying to escape life. Body needs sleep because it's service time. Body needs to be serviced. It's a constantly running machine, so little if you run it slow at certain times, it gets serviced. That's the idea. So right now, if you have some kind of an automobile, or let's say you guys, maybe your new generation doesn't use automobiles anymore, you're all in computers, all right? Let's say you have a computer which needs service once in 6 months, goes away for 3 days or 6 days. That means average 1 day in a month. All right, you can bear with this. But suppose your computer needs 15 days of service per month. Better to junk it, isn't it? Hello? Hello? So right now, you're talking about a body. It is a certain machine, all right? It's a biological machine, but it's a machine. It's a combination of many things, physical stuff, mental stuff, emotional stuff, chemical stuff, so many things, all put together, a complex machine. 8 hours you sleep. At least probably 1.5 hours goes into breakfast, lunch, dinner. All right? I'm assuming, but your dinners may be very long, I don't know. And then bath, toilet, this, that, another 2 hours goes in this and that management of, you know, clothing, this, that, whatever. So essentially, you're spending 12 hours in a day for maintenance. So you are that kind of machine which needs 15 days in a month maintenance. This means half your life is just maintenance. How will you be productive, I'm asking?
You said it necessitates nightlife. Well, you said two things. One thing is, it's quiet. Believe me, early mornings are much quieter than nights. Wake up at 3:30 and see, everything is dead quiet. 12 o'clock, it's still not quiet. Not in Chandigarh, I'm sure. I hear a lot about Chandigarh's lifestyle these days. Definitely at even 12, 1 o'clock, still activity is going on. Vehicles are, automobiles are going on. Wake up at 3:30, 4 o'clock in the morning and see everything is quiet. There are three kinds of people who want to stay awake in the night. Yogis, rogis and bogis. Yogis, rogis and bogis. Yeah. Well, we'll start with the bogey. One who is looking for, you said, extracurricular activity. We don't know what that is. I don't want to inquire into that, okay? Bogies are those who are pleasure seekers. For them, night is a conducive time. So they always, in the world, this kind of activity is called nightlife. Nightlife does not mean studying in the ISB, all right? Nightlife means being on the street and doing something else, whatever that is. And a rogi, somebody is sick, he cannot sleep. Inevitably, he stays up in the night because he cannot sleep. If he lies down, he will cough, he will do this, he will do that. So he will sit up. A yogi also sits up for a different reason altogether. So these are the three kinds of people, yogis, rogis and bogis. Yeah. Which one are you? You must first determine. You're sure not a rogi? No. Between a bogi and a yogi, you must decide. Well, yogi need not necessarily mean you're sitting and meditating. You're studying. This is also yoga. Study means what? Something that is not a part of you, you're trying to make it a part of yourself. This is what yoga means. Yoga means union. You got yoked with something. It could be knowledge. It could be an experience, it could be cosmos, it doesn't matter what. But in some way, you are doing some yoga. So you think night is better. This is just a question of lifestyles. This is because in the last 50 years, we as a nation and culture are taking cues from Western societies and paying a big price for that. You will always see people who wake up early in the morning are of a different quality. People who sleep late and wake up late, they are of a different quality. Have you noticed this? So, waking up early in the morning, you will see, you will have a better sense of usage of time than sleeping late night. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Why should we meditate? The meditation of the brilliance in Hindi. फिर दोस्तों शायद सदगुरु हमारे रियल साउंड दिस इज सदगुरु एंड सदगुरु सेड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स वेक अप एट 4 AM फ्रॉम द नेक्स्ट 20 डेज फिनोमेंटल रिजल्ट्स द बेनिफिट्स ऑफ द वेकिंग अप द मॉर्निंग माय फ्रेंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बट Why should we meditate? Meditation for beginners in Hindi. Dr. Sachidananda Phulekar, आपका स्वागत करता है दोस्तों. Meditation का असली फायदा क्या होता है? What are the real points of the meditation? Meditation का असली benefit समझना काफी मुश्किल लगता है. आप जिम लगातार जा रहे, आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा. लेकिन एक्सरसाइज लोग करते हैं. लेकिन आप एक साथ मेडिटेट करेंगे लगातार कि आपके ब्रेन के 6 पैक्स आ जाता है. काफ़ी लोग इस बातों को समझने इसलिए उनके टाइप का बेनिफिट में मेडिटेट का क्या फ़ायदा होता है. मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं मेडिटेशन तो मेरे लिए कोई काम नहीं करता, ये पुराने ज़माने की चीज़ है. एक जगह के बैठकर एक चीज़ के ना सोचने का फ़ायदा क्या है? आप भी इसी तरह सोचते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने 20 मिनट हर रोज मेडिटेट 1 महीने तक किया है. अगर आपने तो आप ये नहीं कह सकते कि मेडिटेशन आपके लिए काम नहीं करता. आपके आपने मेडिटेट टाइप नहीं करा तो वेलकम बैक टू ये मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ मेडिटेशन के बेनिफिट.
आपको फिक्र करने की कोई बेनिफिट नहीं। मैं आपको फ्री में बेच रहा हूँ जो आपके पूरे जिंदगी के आपको हेल्प करेगी। एक आप जिम हफ्ते के लिए जाते हैं और आप कंप्लेंट करते हैं जिम करने से मेरी बॉडी नहीं बदलती, तो आप बेवकूफ़ बोला जाएगा। मेरे दोस्तों, ये बेवकूफ़ी से लोगों भी मेडिटेशन से कोई बोल देते हैं, मेडिटेशन मेरे लिए काम नहीं करता। मेरे आप छोटे बच्चे थे और आप वीक थे, आप पुशअप नहीं करते थे, तो आपको पता भी नहीं था कि चेस्ट मसल इस तरह से की जाती है। लेकिन आपने पुशअप करना शुरू कर दिया, एक महीने के लिए आप धीरे धीरे ताकतवर हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर मसल कंट्रोल हो जाएगा। आपकी मसल इस तरह से कंट्रोल कर पाएगा कि आपकी प्रसिद्ध मेडिटेशन यही पे है आपके दिमाग को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मेडिटेशन से आज मुझे इतने उम्र में फ्रेश बना चेहरा अच्छा। मेरा गुस्सा होता था, मेरा गुस्सा से मैं नाराज़ हो जाता था, आफ्टर मेडिटेशन मैं 2 महीने में ये रियलाइज किया कि मेरी डायरी एंट्री में कोई निगेटिविटी बची नहीं थी। तभी मुझे ये समझ गया मैं बदल गया था। बेनिफिट में छोटे छोटे मुझे प्रिटिशन नहीं आता था, मैं किस तरह से स्पिन करूँ। आपका दिमाग ताकतवर हो जाता है, जितना निगेटिव थॉट होता है वो हैवी वेट की तरह स्टार्ट होता है। आपको आपको आप निगेटिव थॉट को झेल पाते हैं। एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं किया, आप अनहेल्थी थे, आप किसी खाई में गिर गए, आप लटक रहे थे और आप कमज़ोर और मोटे थे, लेकिन एज पर लटक रहे थे। क्या आप ऊपर आपको घिर पाते थे? नहीं, आप नीचे गिर के मर जाते। अगर आप हल्के होते और ताकतवर होते तब आप ऊपर खींच पाते। इसी तरह से आपके लाइफ में कोई बुरा होता है और आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं तो आप ख़त्म हो जाएंगे। मेडिटेशन आपकी सारी फीलिंग कुछ फील नहीं होता, आपके दिमाग को ताकतवर बनाता है। इसमें ज़्यादातर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस शुरुआत करिए, 10 मिनट करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 1 महीने के लिए करिए। और एक चीज़ करिए, एक जर्नल लिखिए, अपने थॉट के बारे में हरदम लिखिए। मैं गारंटी कहता हूँ आप 2 महीने लगातार मेडिटेशन करेंगे तो आपको थॉट को ट्रैक डायरी में नोट करेंगे, आप डायरेक्टली देख पाए मेडिटेशन में कितना बड़ा पावरफुल होता है। साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडीज कहते हैं 2 महीने मेडिटेशन करने के बाद आपका दिमाग ग्रे मैटर उस एरिया से लर्निंग मेमोरी से इमोशनल हैंडलिंग है वहाँ पर और ग्रे मैटर बढ़ जाता है। इनफैक्ट उन मॉन्क्स उस साधुओं की दिमाग की स्कैन किए थे जो सालों से मेडिटेशन करते, उनसे कंपेरिजन के जो मेडिटेट नहीं करते, साइंटिस्ट ने यह ढूंढा कि जिस एरिया में रिलेटेड है वो मॉन्क्स के दिमाग में ज़्यादा थी। एम्पैथी, दूसरों का दर्द कितना समझ सकते हैं। मेडिटेशन के बेनिफिट हजारों हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आ जाते हैं और कोई रिजल्ट नहीं देख पाते। मेडिटेशन आपकी रातों रात एकदम जिंदगी नहीं बदलेगा, काफ़ी समय करना होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप बदल जाएंगे। सालों साल मेडिटेशन करने से आप बदल जाएंगे, ये लॉन्ग टर्म से करना होगा, आपकी लाइफ टाइप का आपका पार्ट हो जाएगा। मेडिटेशन से मैं भी नफरत करता था, लेकिन जब मैं बैठने से बहुत ऊर्जा होती थी, मैंने ये डिसाइड किया मेडिटेशन मैं सुबह उठने के बाद करने लगा। मैं डिले करता तो मैं करता ही नहीं दिन भर में। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है तो सुबह सुबह कर लीजिए, उठने के बाद जल्दी से जल्दी आप ख़त्म कर दें मेडिटेशन के बारे में। दोस्तों, तो मैं आपको मेडिटेशन का फायदा, चलो मैं आज अपने दोस्त तो आपको कैसा लगा मेडिटेशन, 4 स्टेज ऑफ मेडिटेशन बाय संदीप महेश्वरी। चलो मैं आज हमारे एक गेस्ट लेक्चर को बुलाना चाहता हूँ। हमारा गेस्ट लेक्चर में संदीप जी, मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहता हूँ, गुनगुने पानी के साथ में मैं आपका 4 स्टेज ऑफ मेडिटेशन के बारे में चैप्टर के लिए मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। संदीप महेश्वरी, संदीप चलो आप 4 स्टेज ऑफ मेडिटेशन के बारे में आपको चर्चा करना है। संदीप महेश्वरी चलो
आपको भी चांस देना चाहते हैं, क्योंकि 35 मिनट बातें करने के बाद मैं थोड़ा थकवा गया, तो मैं कुछ पानी पीऊँगा गुनगुना। तो संजीव जी आइए, वेलकम टू माय फैमिली होम। आइए दोस्तों, संदीप के साथ लास्ट 17 मिनट, 4 स्टेज ऑफ द मेडिटेशन। आइए संदीप जी, वेलकम वेलकम माय होम। व्हाट इज मेडिटेशन? क्या घुंचू की तरह बैठे रहना आंख बंद करके कुछ मिनट तक, कुछ घंटों तक, कुछ सालों तक या जिंदगी भर? वो मेडिटेशन है? मेडिटेशन है क्या? और वो हमें कैसे पता लग सकता है? वो तब पता लग सकता है जब आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हो। सही क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन, नॉट हाउ टू मेडिटेट। हम जाते हैं लोगों के पास में जो हमें लगता है कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है, एनलाइटेंड है, ये है वो है, उनके आगे हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं, गुरुजी हमें तो ये बता दो कैसे करना है मेडिटेशन। और सबका अपना अलग अलग स्टाइल है मेडिटेशन करने का, या नहीं है? कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा वो करो, कोई कहेगा, अब उसमें से क्या करोगे? हजारों लाखों अलग अलग तरीके हैं लोगों के मेडिटेशन करने के। जैसे एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड्स नहीं होते, साबुन खरीदने जाते हैं उसके अलग अलग ब्रांड्स हैं, चुन लो आपको कौन सा चाहिए। और मजे की बात क्या है, एक बंदा दूसरे को काटेगा, वो कहेगा जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, वो गलत है। तारीफ थोड़ी करते हैं दूसरे की, क्या करोगे? फंस नहीं गए, लगे रहो जिंदगी भर, करते रहो कोशिश, कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले समझना है व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन को हिंदी में बोलते हैं ध्यान। तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। ये बात पहले भी बहुत अपने अलग अलग सेशन में बोल चुका हूं, ध्यान दो, करो मत। जब करोगे तो वो अपने आप में एक ट्रैप बन जाएगा कि आपको ना आंखें बंद करनी है और अंदर आपको यहां पर एक लाइट दिखेगी, फिर उसमें से ये होगा, फिर उसमें से आप निकलोगे, फिर ये होगा, फिर वो कुछ भी इमेजिन करते रहो। कभी भूले भटके कोई लाइट दिख जाएगी, वो भी क्या होगा, बाहर वो है ना, किसी ने लाइट जलाई और बंद कर दी और आपको लगा अंदर कुछ हो रहा है, वो कहोगे वापस क्यों नहीं हो रहा। अब आप उसी एक्सपीरियंस के पीछे भागते रहोगे तो क्या फंस नहीं गए हो? एक एक्सपीरियंस हो गया, अब उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहे हो क्या? इसी वजह से हम दुखी नहीं होते? आप समझ रहे हो, ट्रैप पकड़ पा रहे हो? आप चाहते हो टेक्निक, बेस्ट टेक्निक, जिसको आप फॉलो करो उसके बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दिस इज व्हाट यू वांट। तो ऐसी अनलिमिटेड दुकानें हैं, कहीं पर भी जाकर के फंस जाओ, लगे रहो 10 साल 20 साल 50 साल, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने कभी समझने की कोशिश नहीं करी ध्यान क्या है। मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, ध्यान देना है, करना नहीं है। तो ध्यान देने का मतलब क्या है? ध्यान दो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, एक्चुअल में क्या हो रहा है आपकी बॉडी में। दैट इज मेडिटेशन। यानी कुछ खाते हो तो उसको खाने के बाद में कैसा फील होता है, दैट इज मेडिटेशन। इफ यू कैन बी अवेयर ऑफ द होल मूवमेंट, इफ यू कैन बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस कि मैं ये करता हूं उसकी वजह से ये होता है, तो अब मुझे दोबारा नहीं करना है। अगर इतनी समझ आपके अंदर है तो यू आर इन मेडिटेशन। आपको अलग से बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं। और इतनी समझ नहीं है, बार बार एक ही गलती को आप रिपीट कर रहे हो, कुछ करते हो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर करते हो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर बीमार हो जाते हो। तो इसका मतलब अब आप बैठ करके चाहे घंटों तक मेडिटेशन करते रहो, कोई फायदा नहीं है। अब ध्यान को कैसे लगाते हैं एक जगह पर? दो ऑप्शंस हैं और ये दोनों ही ध्यान लगाना हमको आना चाहिए। एक है दुनिया में ध्यान लगाना। अगर दुनिया में आपको ध्यान लगाना आता है तो इस दुनिया में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। दुनिया में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, किसी भी चीज में हो सकता है, किसी का गैजेट्स में हो सकता है, किसी का पेड़ पौधों में हो सकता है, किसी का घूमने फिरने में हो सकता है, किसी का फोटोग्राफी में हो सकता है, किसी का पता नहीं कहाँ कहाँ हो सकता है, ब्यूटी में हो सकता है, ब्यूटी इज माई ड्यूटी, कहीं भी हो सकता है, जहां भी है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें ध्यान लगाना आसान होता है कंपैरेटिवली। वहां पर ध्यान लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता है। तो ध्यान का कनेक्शन किससे है? पैशन से, इंटरेस्ट से। ये बात देख पा रहे हो? जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस खेल में आपका इंटरेस्ट है, जिस स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, वहां पर ध्यान लगाना पड़ता है, लग जाता है, लग जाता है। और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, लगाते रहो, लगे रहो। तो ये है दुनिया में ध्यान लगाने का आउटकम, वो क्या है? सक्सेस, पैसा।
लेकिन दुनिया में आप चाहे कितना भी आगे बढ़ जाओ, इट डज नॉट गारंटी मेंटल पीस, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ये सबसे बेसिक स्टेज है। दिस इज लाइक किंडरगार्टन। अगर आपको ये नहीं पता कि इस दुनिया में ध्यान कैसे लगाना है और ध्यान लगा करके कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो ये स्पिरिचुअलिटी, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, लव, सब बातें हैं। जो बंदा इतना नहीं कर सकता, यानी जो नर्सरी को क्लियर नहीं कर सकता, नर्सरी में पास नहीं हो सकता, वो क्या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जाएगा? तो नर्सरी क्या है? जो आपकी बेसिक कंडीशनिंग है, बचपन से जैसा आपको प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या प्रोग्राम किया जा रहा है कि सक्सेसफुल हो, कैसे भी करके हो, हमें उससे मतलब नहीं है, पैसा लेकर के आओ, है कि नहीं? पूरी दुनिया यही प्रेशर नहीं डाल रही आपके ऊपर? तो अगर यही हम नहीं कर पा रहे, सोचो कितना जरूरी है ये, तो बाकी तो सारी बातें हो गई ना। तो सबसे पहली मेडिटेशन क्या है, सबसे बेसिक लेवल की मेडिटेशन क्या है? ध्यान लगाना सीखो उस काम में जो आप करना चाहते हो और वहां पर सक्सेसफुल हो। और अगर फिर भी आप बोलते हो कि नहीं नहीं आपको पता नहीं मेरी लाइफ की सिचुएशन क्या है, मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, करना तो पड़ रहा है ना, इंटरेस्ट हो या ना हो, वहां पे ध्यान लगाना सीखो और अच्छा है। अगर आपको ऐसे काम में ध्यान लगाना आ गया जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी आपने अपनी पूरी ईमानदारी से किया, पूरे पैशन से किया और वहां पर आपने सक्सेस को अचीव कर लिया, तो अब आप तैयार हो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। अपनी बॉडी को कॉन्कर करो, अपने सेंसेस को कॉन्कर करो, बॉडी की तरफ ध्यान दो। बॉडी से हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन बॉडी पे हम बहुत कम काम करते हैं। जैसे एक है गाड़ी से काम करना, गाड़ी से कहीं जाना, एक है गाड़ी पर काम करना। गाड़ी पर काम करने का मतलब क्या हुआ? सर्विस हो गई, गाड़ी को मेंटेन करना हो गया, देखना हो गया कहीं को गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई पार्ट को रिप्लेस करने की जरूरत तो नहीं है। ऐसे ही अपनी बॉडी को समझना शुरू करो, यहां पर ध्यान दो। इसके लिए आपको किस टेक्निक की जरूरत है बताओ? आपकी बॉडी को कौन समझ सकता है आपको? दिस इज स्टेप टू ऑफ मेडिटेशन। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी की स्ट्रेंथनिंग, डाइट पे कंट्रोल, बॉडी की सही समझ, अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल। अब आ जाओ माइंड के ऊपर, थर्ड स्टेज ऑफ मेडिटेशन। हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, अगर इन दोनों को आप काफी हद तक कॉन्कर कर चुके हो, अब आप तैयार हो ये समझने के लिए कि माइंड क्या होता है, नॉट कि माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि जो चीज हमको समझ नहीं आती उसको कंट्रोल क्या खाक करोगे? आपने ये तो कभी समझा ही नहीं कि गाड़ी को चलाना कैसे है और आप कह रहे हो गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है। अरे पहले सीखो तो सही, गाड़ी है क्या? आपको फर्क तो पता होना चाहिए ना क्लच और ब्रेक के बीच में। तो अब आप इस क्वेश्चन के साथ ठहर जाते हो, व्हाट इज माइंड, और यहां से आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में होता है, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। ये गया ऊपर से बाउंसर। देखो माइंड पीसफुल कैसे रहे हमारा, इसका जवाब कहां है? किसी किताब में है, किसी की बातों में है, कहीं नहीं है, ढूंढते रहो। जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, यानी कि आपका माइंड रेस्टलेस है, वहीं पर उसका आंसर है। दुखी हो तो उसका जवाब उस दुख में है, बट उस दुख के साथ हम ठहरते नहीं है, रेस्टलेस माइंड के साथ हम ठहरते नहीं है। वी वॉन्ट दैट माइंड टू बी पीसफुल इमीजिएटली, दैट इज द प्रॉब्लम। ये वही फर्क है जो एलोपैथी और आयुर्वेदा में है। एलोपैथी में क्या होता है कि आपको दर्द हुआ, ले बेटा गोली खा, दर्द गायब, है कि नहीं? बट क्या वो गोली आपके लिए अच्छी है? ये पता है हमको, या बेटर क्या है कि उस दर्द का रूट कॉज क्या था? अगर दर्द यहां हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है? क्या फिजिकली कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो दर्द हो रहा है, या मैं कुछ उल्टा सीधा सोचे जा रहा हूं उसकी वजह से दर्द हो रहा है? तो वो जो मैं सोच रहा हूं, जब तक मैं वो सोचना बंद नहीं करता, वो दर्द तो वापस होता रहेगा। गोली खाऊंगा तो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा। फिर गोली खाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। उस प्रॉब्लम के साथ ठहरना पड़ेगा ना, तभी तो परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ठहरना पड़ेगा ना, व्हाट इज माइंड, व्हाट इज अ फीलिंग, व्हाट इज अ सेंसेशन, इस सेंसेशन क्या होती है? दो हाथ आपस में टच होते हैं तो एक सेंसेशन होती है, सेंसेशन क्या है? इस सेंसेशन के होने से क्या होता है? क्या हम अपने आप को कुछ बोलते हैं जैसे ही कोई सेंसेशन होती है, और उस बोलने की वजह से क्या होता है? अगर सेंसेशन तो हो और हम अपने आप को कुछ बोले ना, तो क्या होता है?
ये सब दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेंगी ये बातें, ये खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। इस दुनिया में ध्यान देना और बॉडी पे ध्यान देना और माइंड पे ध्यान देने में क्या फर्क है? देखो ध्यान से समझ लो, दुनिया में आप कहीं पर ध्यान देते हो तो उसको समझते हो, समझने के बाद में एक्शन लेना पड़ता है तब रिजल्ट आता है। फिजिकली एक्ट करना पड़ता है ना, सिर्फ पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, रिज्यूम बनाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, फिर जॉब भी करनी पड़ेगी। अभी नहीं कह सकते मुझे तो आता है, मैं काम नहीं करूंगा, मुझे आता है सर, मुझे सैलरी दो, मुझे आता है, देखो मेरे पास डिग्री है भाई, तेरे पास कुछ नहीं है, तुझे काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही बॉडी के केस में है, बॉडी में आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता है, क्या पता है तुझे कि हाँ ठीक है मसल्स को बनाना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो पता होने से मसल्स नहीं बढ़ेगी, यू हैव टू एक्ट। डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डाइट को ठीक करना पड़ेगा, यानी कुछ करना पड़ेगा तब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एट द लेवल ऑफ माइंड कुछ करने की जरूरत नहीं, समझना ही काफी है, कुछ भी नहीं करना है, कोई मेडिटेशन नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, वी आर ऑब्सेस्ड विथ प्रैक्टिसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड इज कंट्रोल ऑफ द माइंड। जैसे एक भूत है जिसकी वजह से आप सब डर रहे हो, माइंड में और भूत में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि माइंड एक्चुअल में है ही नहीं। ये बात एकदम से झटका लगेगा, क्या मतलब माइंड नहीं है, माइंड से तो हम सब कुछ कर रहे हैं, माइंड में और भूत में कोई फर्क नहीं है। भूत मतलब क्या होता है? पास्ट। आपकी माइंड में से मैं मेमोरी निकाल दूं, आपकी ब्रेन में से मेमोरी निकाल दूं, वो सोच के दिखाओ कहां है पास्ट, कहां है फ्यूचर, कहां है थॉट, कहां है थिंकिंग, कैन देयर बी थॉट विदाउट मेमोरी? मेमोरी मतलब क्या? भूत नहीं है, प्रेजेंट की कहां मेमोरी होती है? आप कहते हो इस मोमेंट की मेरे पास में मेमोरी है, तो जिसकी मेमोरी है वो पिछला मोमेंट था, कुछ सेकंड पहले की आप बात करो, इस मोमेंट में कहां है मेमोरी? तो व्हाट इज फ्रीडम फ्रॉम माइंड, व्हाट इज फ्रीडम फ्रॉम मेमोरी? अंडरस्टैंडिंग दैट मेमोरी इज नॉन एग्जिस्टेंट। भूत हो तो कुछ करो ना, ये पूरी दुनिया क्या कर रही है, माइंड से लड़ने की कोशिश कर रही है। माइंड है कहां? दिखाओ मुझे, ब्रेन है, माइंड कहां है? दिखाओ, अपने थॉट से लड़ने की कोशिश, थॉट्स कहां है? दिखाओ, थिंकिंग कहां है? दिखाओ, व्हाट डू यू मीन बाय थॉट्स? कुछ आप अपने आप को ही बोल रहे हो, खुद ही बोल रहे हो, खुद ही उससे लड़ रहे हो, पहले खुद ही अपने आप को बोल रहे हो यानी कि कुछ सोच रहे हो, फिर खुद ही अपने आप को बोल रहे हो नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, तो टाइम पास नहीं कर रहे, समझे? उस भूत से हम लड़ रहे हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं। पूरी दुनिया क्या कर रही है, कई तरह के टोने टोटके, ये सब जितनी मेडिटेशन टेक्निक्स है ना वो टोने टोटकों के जैसा है, भूत को भगाने के, माइंड पीसफुल हो जाए। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं मेडिटेशन, उसमें फर्क समझ आ रहा है वो कैसा है? उसके लिए यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक। दुनिया में सक्सेस का क्या मतलब है? उसी जगह पे ध्यान लगाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के। तो क्या ये जो मैं बातें कर रहा हूं इसमें आपका इंटरेस्ट है? अपने आप से पूछो, मतलब मुझे मत बताओ, है ना, कितनों का है ये इंटरेस्ट? है पैसे में इंटरेस्ट है, जो मोबाइल फोन आपके पास नहीं है उसमें? जहां इंटरेस्ट है वहीं पर आपका ध्यान है, तो वहां से ध्यान कैसे हटेगा? जब वो सब आप अचीव कर लोगे और देखोगे कि उसमें कुछ नहीं पड़ा है, यही एक तरीका है वहां से ध्यान हटाने का। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जो छोड़ देते हैं ना उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ध्यान हटाने का और कोई तरीका नहीं, सब करके देख लिया ठीक है अपनी अपनी जगह पर, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए आपको पीसफुल कर सकता है, बट दैट इज नॉट द परमानेंट आंसर। ये आपके अंदर से आपकी इंटेलिजेंस ने कहा, नाउ व्हाट इज द परमानेंट आंसर? अब आपका इंटरेस्ट इन चिंदी चीजों में नहीं है, बट यू आर नॉट अगेंस्ट दीज थिंग्स। मूवीज भी देख रहे हो, घूम फिर भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट योर इंटरेस्ट इज इन समथिंग एल्स, समझे? तो जहां इंटरेस्ट होता है वहीं पर ध्यान जाता है। तो इंटरेस्ट कहां आ गया हमारा, और कब इंटरेस्ट वहां से हटा उन सब चीजों से? कहते हैं ना दूर के ढोर सुहागने, तो शादी से इंटरेस्ट कब हटता है? ऑब्वियसली अब आया समझ में, कब हटता है? तो पता नहीं क्या आएंगे, समझे? ऐसे ही माइंड को कॉन्कर करने का मतलब क्या, माइंड को पूरी तरह से समझ लिया, और जब हम पूरी तरह से समझ जाते हैं तो ये माइंड आप पे हावी नहीं हो सकता, ये आपके पीछे चलता है। जैसे भगवान शिव की आपने कहानियां सुनी होगी, भूतों की टोली उनके पीछे चलती है और लोगों के सर पे भूत चढ़े रहते हैं।
कि भूतों से फ्री होने का क्या तरीका है? भूतों को मारना नहीं है, भूत हो तो मारोगे ना, मारोगे किसको? जो है ही नहीं उसको कैसे मारोगे? तो बिल्कुल ऐसा है, स्पेस में अपना तलवार लेकर के काटते रहना, और मैंने काट दिया, मैंने अबे है क्या, देख तो आंख खोल करके किसको मार रहा है। तो माइंड को समझ लेना मतलब माइंड से ऊपर उठ जाना, माइंड से फ्री हो जाना। माइंड से फ्री हो जाने का मतलब क्या है? कि कुछ ना सोचना, नहीं, अब कुछ भी आ रहा है माइंड, उसे फर्क क्या पड़ता है, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, अब आप फ्री हो गए माइंड से, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, समझे? दिस इज कॉल्ड बीइंग फ्री फ्रॉम माइंड। इसके बाद लास्ट लेवल रह जाता है, दैट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, हु एम आई? ये फाइनल स्टेज है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। जब इसमें इंटरेस्ट आ जाता है और यहां पर ध्यान वन पॉइंटेड हो जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन अंदर ही अंदर घूमता रहता है, वो एम आई, तो वहां से आंसर आने शुरू हो जाते हैं, आपको दिखने लग जाता है आप कौन, आप जो होते हो वो आपको समझ आने लग जाता है। जैसे ही समझ आता है तो जो भी आप नहीं होते हो उससे जो आप चिपके पड़े हो वो सब छूटने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी इस शर्ट को आप बोलने लग जाओ ये मैं हूं, और इसकी प्रैक्टिस करते रहो 20 साल तक 30 साल तक, तो क्या होगा? क्या आपको कोई भी डाउट होगा कि मैं ये शर्ट हूं या नहीं हूं? क्या कभी भी इसको क्वेश्चन करोगे? आप जो भी सोचोगे, जो भी कुछ करोगे, इसी के बेस पर सोचोगे कि मैं ये शर्ट, शर्ट गंदी हो गई, शर्ट को किसी ने फाड़ दिया, शर्ट मरने वाली है, शर्ट पैदा हो गई, ऐसे ही ये बॉडी है। जैसे जैसे ये जवाब आपके अंदर तक उतरता चला जाता है तो आपको एक बड़ी कमाल की बात वहां पर नजर आती है कि आप जो एक्चुअल में हो वहां पर आपको पीसफुल होना नहीं है, उस लेवल पे आपकी पीस को डिस्टर्ब करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे जैसे हमारी समझ वहां पर गहरी होती चली जाती है, ये बात गहराई से हमको समझ आती चली जाती है, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअली, एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड परमानेंट हैप्पीनेस। सो यू डोंट हैव टू अचीव हैप्पीनेस, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट माई वेरी नेचर इज हैप्पीनेस। चलो संदीप, मैं आपको 17 मिनट के लिए यहाँ बुलाया, तो संदीप अब से भी मैं अच्छे से मेरे सभी साथियों को समझा सकता था, लेकिन मुझे 3 गुना गुनगुना पानी लेना था, तो इन बिटवीन में मैं सदगुरु को बुलाया और सदगुरु ने बहुत अच्छा इंग्लिश में अपनी खुद के लैंग्वेज में 5 मिनट आपको द बेनिफिट, द रिजल्ट, द फेनोमेंटल रिजल्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द वॉकिंग अप, द आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, वेक अप एट 4 AM फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। तो सदगुरु, सो थैंक यू फॉर योर लेक्चरशिप। संदीप, आपकी वीडियो आते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, और मुझे खुद का ज्ञान बढ़ाने के बजाय कभी कभी मेरे गेस्ट लेक्चर को भी मैं बुलाता हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल कॉलेज में मैं हरदम गेस्ट लेक्चर को बुलाता हूँ। सभी चैप्टर अगर मैं पढ़ाने जाऊँगा तो मैं थक जाऊँगा। तो साथियों आइए, डॉक्टर सच्चिदानंद, द मास्टर ऑफ द मेडिटेशन, हर दिन नई नई बात के साथ मेडिटेशन पढ़ाने वाला अपना दोस्त डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर द मास्टर ऑफ द मेडिटेशन। दोस्तों, मेरा लेक्चरर 2 तास के लिए होता है, लेकिन 2 तास में आप
अपने जिंदगी का रूटीन बना सकते हैं। दो सांस में आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आओ चलो हमारे तो दोस्तों मॉर्निंग मेडिटेशन में आपका हार्दिक स्वागत हो। शायद आपका मेडिटेशन का पूरा आज का चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दो तास के लिए बुलाया हूँ। मेरा क्लास 2 आवर्स है, तो दो तास में तो आपको देखिए मेरे अभ्यास के साथ आप मजबूत हो जाएंगे और मेरे मजबूती के साथ आपको उस बातों को मजा आएगी जहाँ अनेक रास्ता है। द म्यूजिकल सेंटर डॉक्टर सचिदानंद फुलेकर द मास्टर मेडिटेशन। नमो बुद्धाय, नमो प्रिय दर्शनी अशोका, जय भीम साथियों। अगर सम्राट अशोक भी जिंदे रहते तो डॉक्टर सचिदानंद फुलेकर को अपने कैबिन में बुलाते, राजा के कैबिन में, और सुंदर बातों के साथ में हमारा स्वागत होता। आइए दोस्तों हम बुद्ध वंदना लेंगे और उसके बाद में सुंदर गीतों का आभास करेंगे। बुद्ध वंदना के साथ डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि। प्यारे दोस्तों, बुद्धं यानी मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, मैं होशियार आदमी को शरण जाता हूँ, मैं आध्यात्मिक शक्ति को शरण जाता हूँ, मैं धम्म को शरण जाता हूँ, मैं संघ को शरण जाता हूँ। इससे भी ज्यादा लोग कनेक्ट होने से मैं उसको शरण जाता हूँ। आइए दोस्तों एक तास मेडिटेशन के प्रवचन के बाद हम बुद्ध वंदना की ओर जाते हैं। नमो बुद्धाय, नमो धम्मा, नमो संघा। बैठिए 6 मिनट 41 7 मिनट की बुद्ध वंदना के साथ दिन की शुरुआत में, सुंदर शुरुआत में, हरी भरी सुबह, सुगंध भरते हुए फूलों के झाड़, सुंदर आवास किरणों के साथ एक सुंदर वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना। नमो बुद्धा, नमो धम्मा, नमो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।
सिख परं समाधियामि सिख पदं समादियामि प्यारे दोस्तों, हम आपके दो तास लेते हैं लेकिन आपको स्ट्रांग करते हैं, मजबूत करते हैं। हमारी बहुत सारे स्कूल में, खास करके हरदोली में, हटवार आज मेडिटेशन मास्टर हो गया है। इंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल हरदोली, जूनियर कॉलेज इंदुताई मेमोरियल सीनियर कॉलेज, KHF सीनियर कॉलेज आर्ट कॉमर्स साइंस, यहाँ मेडिटेशन होता है। साथियों, मेडिटेशन से हमने बच्चों को स्ट्रांग किए। तुम सर के लड़की लड़के को हमने मेडिटेशन दिया, साइंस आर्ट कॉमर्स के सीनियर कॉलेज, जूनियर प्राइमरी हाई स्कूल। हमारे सभी टीचर मेडिटेट हो गए हैं, हमारी साकरकर मैडम मेडिटेट हो गई है, हमारे भगत जी, हमारे बिशन जी, हमारे बहुत सारे लोग मेडिटेट हो गए। तो हमारा रामटेके भी मास्टर बनने जा रहा है, हम इनको मास्टर करेंगे।
हम खुद मास्टर होने के बाद में सभी को मास्टर करेंगे। मेरे साथियों आप भी आइए, स्कूल के बच्चों के लिए उस सुंदर वातावरण के लिए तेरी पनाह में हमें रखना इस गीत को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सौभाग्य के लिए। नमो बुद्धाय। माय फ्रेंड,
तेरी पना पर हमें रखना सीखी एक चांद। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही सी चिट्ठी की कहानी भी हमने देखी है। हमने भी एक झोपड़पट्टी में जहां कुंभारे नगर बनाए, उस झोपड़पट्टी में हमने छोटे से दो मकान के कमरे में एक स्कूल बनाई और आज पूरे विदर्भ में माइनॉरिटी की सबसे अच्छी स्कूल हो गई दोस्तों। एक छोटी सी झोपड़पट्टी में कहानी बनाकर महल बनाया, फादर हाउस बनाया, टावर हाउस बनाया, फार्म हाउस बनाया, बाबा साहब और भगवान बुद्ध के 100-100 फुट के पुतले इस भारत की भूमि में तुम सर गांव को नम्र किया। गोबरवाई के जंगल में, हरदोली के सुंदर वातावरण में साइंस कॉलेज देकर मेडिटेट किया। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उत्तर नागपुर के भूमि में लॉ कॉलेज दिया, डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर लॉ कॉलेज। और साथियों उतना ही नहीं, भंडारा के भूमि में बाबा साहब का स्टैचू गढ़ाकर 8-10 एकड़ जगह पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज भी दिया। तो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। बुल्ठाना में सुंदर प्लेस में पहाड़ी पर हमने बीपीएड कॉलेज, विद्या सच्चिदानंद कॉलेज, आर्ट कॉमर्स साइंस, एमए, बीबीए, लाइब्रेरी साइंस, बहुत सारे कॉलेज दिए हैं मेरे साथियों। भाई बहनों, मेरे साथियों, आइए उठो उठो मेरे साथियों। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सुबह 11 बजे का अलार्म कौन लगाता? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आइए दोस्तों, इस सुंदर गीत के साथ में डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर आपका मेडिटेशन साथी आपको हर समय जागरूक करते हुए, चलो आओ दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार। अनमता खान की आवाज में आई सुंदर ब्यूटीफुल अनमता खान। वेलकम टू माय होम, गुड मॉर्निंग, गुड डे, थैंक यू वेरी मच, नमो बुद्धाय। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती।
थैंक यू वेरी मच अमिता खान, वेरी गुड। आइए दोस्तों, अमिता बच्चन देखिए, एक छोटे से काम पर आया अमिता बच्चन। यार उसके पिताजी बोलते थे, बीएससी था अमिता बच्चन दिल्ली में, दिल्ली में काम करने वाला नौकरी नहीं मिलती थी अमिता बच्चन को। और आज अमिता बच्चन 40 कोटि का रुपये कमाता है एक फिल्म लेने के लिए। तो चलो अमिताभ बच्चन, हम आपको बुलाते हैं, हमारे पास में नकली भी अमिताभ बच्चन है, नकली शाहरुख खान है, नकली गोविंदा है। भाइयों बहनों, हम उनको लाएंगे आपके खातिर में। अमिताभ बच्चन के रोंगटे खड़े करने देने वाली स्पीच, मोटिवेशन स्पीच को डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर पेश करने जा रहा है आपके खिदमत में। तो आइए दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी नमो बुद्धाय। वैसा तो दोस्तों अमिताभ बच्चन छू में रहते हैं और मैं भी, मेरी ससुराल छू की है, 10 गुलमोर मार्ग में अमिताभ बच्चन रहते हैं, छू पेस्ट, और अमिताभ बच्चन की मेरी मुलाकात होती रहती है। तो दूर से ही हम सलाम करते हैं, अरे यार उतना कोटि रुपये कमाता है, तेरे को क्या नजीक आना देंगे। तो अमिताभ बच्चन जी, रोंगटे खड़े देने वाले आपका स्पीच का मैं स्वागत करता हूँ। मेडिटेशन मेडिटेशन का पूरा डोज अमिताभ बच्चन। लोक लाखों मध्ये जिंकाय, तुम्ही सुद्धा जिंका कॅश लाखों मध्ये, डाउनलोड ऍप। आइए दोस्तों अमिताभ बच्चन, क्या बात करने के लिए एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। इससे पहले मधुशाला की एक पंक्ति पढ़ी गई थी, समझ जाता हूँ उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां थी, जो यहाँ सज्जन पुरुष आए थे। ये दोस्तों अमिताभ बच्चन, जहां पर मुझे संघर्ष करना पड़ा, कई बार हताश होकर के मैं पूज्य बाबूजी से, जब वो जीवित थे, तो उनके सामने जाकर के कहता था कि बाबूजी जीवन में संघर्ष बड़ा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा कि बेटा जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है।
और आप भी मान लीजिए कि आपके जीवन में प्रतिदिन प्रतिक्षण ये संघर्ष रहेगा, और आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ये संघर्ष में आप लगे हैं, आगे भी आगे आप संघर्ष करते जाएंगे ताकि जो भी कार्य आप उठाए उसमें कुछ संघर्ष जो है वो नजर आए। जिस दिन लोग आपके संघर्ष को सम्मानित करेंगे उस दिन आपका पदार्थ जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। माता पिता का सम्मान करना हमारी संस्कृति रही है भारत में, और हम सब हमेशा उनकी बातों को याद रखते हैं। कई बार बाबूजी से पूछता था कि मेहनत करने के लिए क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा कि काम करना चाहिए और समय से काम करना चाहिए। एक संस्कृत का श्लोक उन्होंने मुझे बताया कि सूर्योदय चास्तमय चषारिनम जहाति लक्ष्मी रवि चक्रवर्तिनम, माने ये कि सूर्य उदय होने से लेकर के और अस्त होने तक जो इंसान सोता है वो चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो उसकी धनराशि जो है वो गायब हो जाती है। तो सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना पड़ेगा और न्यूट्री चार्ज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हनुमान जी की एक कथा है, हनुमान जी ने कहा था कि ईश्वर से कि हमको शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, क्या किया जाए, किसके पास जाए। उनसे बताया गया कि आप सूर्य के पास जाइए, सूर्य देवता जो है वो ज्ञान का भंडार है, उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको ज्ञान दे सके। तो हनुमान जी गए सूर्य देवता के पास। सूर्य देवता ने कहा भैया मैं तो चलायमान हूं, चलता रहता हूं, कैसे तुमको शिक्षा दूंगा मैं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप ज्ञान मुझे देते जाइए और चलते रहिए, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलूंगा, तो आप चलते रहेंगे, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलता रहूंगा और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा मुझे। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के आगे आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आपका संघर्ष जो है वो सफल होगा। प्रोत्साहित करने के लिए एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। इससे पहले मधुशाला की एक पंक्ति पढ़ी गई थी, समझ जाता हूं उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां थी, जो यहां सज्जन पुरुष आए थे उसको मैं दोबारा एक बार सुनाना चाहूंगा आपको कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बदलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला जल पा जाएगा मधुशाला। एक और बहुत सुंदर कविता है, उसके कुछ क्षण पढ़ देता हूं आपके लिए। ये है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास सबों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपकी कोशिशें हमेशा बनी रहे, आपका सहयोग रहा है, जिनको भी आज पुरस्कार दिया गया है उनको मैं अपनी ओर से एक खास बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह हर कार्यक्रम में आपके साथ जब मैं आऊं तो और भी लोग पुरस्कार प्राप्त करने के लायक हों और मैं उनके साथ उन्हें पुरस्कार दे सकूं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकूं। अंत में जाने से पहले बाबूजी की एक और कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। इस कविता का शीर्षक है अग्निपथ। अग्निपथ बाबूजी ने लिखी थी उस जमाने में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो
भारत की जनता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये एक ऐसी कविता है जो हर क्षण, हर वर्ष, हर युग में उसका एक ही मायने निकलता है, प्रोत्साहित करती है जनता को। तो आपको भी मैं प्रोत्साहित करने के तौर पर अग्निपथ की कुछ पंक्तियां सुना देता हूं कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो, बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महाशय है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से, लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस अग्निपथ को स्वीकारें और इस पथ पर चलकर अपने श्रम से, अपने कार्य से इस अग्नि परीक्षा को पार करें। For my next magic trick, I'll turn polluted water into safe drinking water. दोस्तों, अमिताभ बच्चन की शानदार यादगार में प्रेरणादायक देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, अमिताभ बच्चन आपको कुछ अमिताभ बच्चन के शानदार, यादगार और प्रेरणादायक स्पीच। तो आइए दोस्तों, इतने मिनट में मैं ग्रीन टी लेता हूं। अमिताभ बच्चन, 11 मिनट का तेरा भाषण हमें अच्छा लगे। आओ दोस्त, आइए अमिताभ बच्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारी दुआएं जी, नमस्कार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यारे दोस्तों, जब मुझे यहाँ आकर आप सबको संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मुझे यह एहसास हुआ कि ये जिम्मेदारी कितनी अहम और कितनी कठिन है। मेरे टीचर से और बड़ों से जो मैंने सीखा, उसने मेरे दिल और दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा है। उनकी दी हुई सीख मुझे आज आप सबके सामने खड़े होने का योग बना रही है, इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करना हूं और उससे सीखता भी हूं। मैं, मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते हैं।